हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स वायरल स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है रील्स वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपको इफेक्ट को सर्च करना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है टिप्पी टिप्पी इफेक्ट को आपको सर्च करना है। आपको फर्स्ट में ही टिप्पी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक यहाँ से आपको सेव वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही टिप्पी इफेक्ट सेव हो जाएगा। अब आपको बैक आ जाना है। इस तरह से दोस्तों आपको बैक आ जाना है। फिर से कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद दोस्तों आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से दोस्तों आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करना है। इस तरह से दोस्तों आपको ब्लैक इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है प्रीव्यू, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ब्लैक बैकग्राउंड इस तरह से आ जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर टिप्पी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी वीडियो बन जाएगी। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डन वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है। इस तरह से आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस भी फोटो पर आप इस वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी फोटो के किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको वॉलपेपर को या फोटो को सिलेक्ट करना है। अब आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाले, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टिप्पी वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट होने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, इस वीडियो को आपको सेव करना है। इस तरह से आपको वीडियो को सेव करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों वीडियो को सेव कर लिया है। इस तरह से आपको दोनों वीडियो को सेव करना है। अब दोस्तों आपको डायरेक्ट बैक जाना है। दोस्तों आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके VN ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपको फर्स्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो आपने फर्स्ट में सेव की थी उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको सेकंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से दोस्तों आपको दोनों वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी दोनों वीडियो हैं जो स्क्रीन पर आ चुकी हैं। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है ओरिजिनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारेसो 60 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। इस तरह से अब दोस्तों आपको इसमें साउंड को सिलेक्ट करना है। आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है म्यूजिक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फिर से म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से म्यूजिक आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहां से इस वाले म्यूजिक को सिलेक्ट करना है। आपको इस म्यूजिक की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाले म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका म्यूजिक वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा म्यूजिक वीडियो में लग चुका है। अब दोस्तों आपको वीडियो के एंड में जाना है। इस ब्लैक बैकग्राउंड को आपको डिलीट करना है, क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ब्लैक बैकग्राउंड है जो डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फर्स्ट में आ जाना है। दोस्तों आपका जहाँ तक साउंड है वहाँ तक आपको वॉलपेपर की लेयर को करना है।
तो हम वॉलपेपर की लेयर को छोटा कर देंगे। यहाँ से हम वॉलपेपर की लेयर को कट कर देंगे। इसको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्रेड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वॉलपेपर की लेयर बीच में से कट हो जाएगी। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको डिलीट कर देना है। अब हम वीडियो में इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेकंड नंबर पर व्हाइट वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट को लगा देना है। आपको इफेक्ट की लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। इस तरह से करना है, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा इफेक्ट पूरा वीडियो में नहीं लगा है, तो हम इस ब्लैक वीडियो को बीच में से कट कर देंगे। यहाँ से आपको ब्लैक वीडियो को बीच में से कट करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक वीडियो है जो बीच में से कट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको फिर से इसमें इफेक्ट को लगा देना है। आपको फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद व्हाइट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको फुल वीडियो में व्हाइट वाले इफेक्ट को लगा देना है। आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों आपको फोटो वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट को लगा देना है। आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको एंड में जाना है। इस तरह से एंड में जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको किसी भी बाउंसिंग वाले इफेक्ट को लगा देना है। इस वाले इफेक्ट को हम वीडियो में लगा देंगे। आपको इस इफेक्ट की लेयर को खींचकर इस तरह से फुल वीडियो में लगा देना है। आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है राइट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स, वायरल ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।